जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के दो अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देश के नाम कुर्बान हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। चलिए आपको बताते हैं कि ये टीआरएफ संगठन है क्या। पर उससे पहले, अगर आपने अब तक लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मैनेजर आशीष धौरेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट देश के नाम कुर्बान हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, यानी टीआरएफ ने। टीआरएफ ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की मस्जिद में मारे गए लश्कर कमांडर रियाज अहमद उर्फ कासिम की मौत का बदला लिया है। 8 सितंबर को रावलकोट की मस्जिद में आतंकी कासिम को मार गिराया गया था। टीआरएफ 2019 में वजूद में आया था। ये संगठन हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि टीआरएफ एक तरह से सिर्फ चेहरा है और इन हमलों को लश्कर के आतंकी ही अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। माना जाता है कि टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। टीआरएफ को बनाने में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ रहा है। कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज्यादा एक्टिव आतंकी संगठन माना जाता है। कहा जाता है कि कश्मीर में होने वाले आतंकी हमलों की जिम्मेदारी टीआरएफ इसलिए लेता है ताकि पाकिस्तान की सरजमी से चल रहे लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के नाम सामने ना आ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।